Queen Simple Unique Recipes Cooking Secrets welcomes you. Subscribe हमारा चैनल कीजिए एक ही बार. Subscribed ग्रे हो जाए रेड से तो सब्सक्राइब करने के लिए फिर से जरूरत नहीं है. हमारा बेल आइकन दबाइए, डेली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाइए, कभी भी मिस नहीं कीजिए. प्लेलिस्ट हमारे चेक कीजिए, नॉन वेज, वेज, फिश, ब्रेकफास्ट और बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए ही तो रखे हैं हमने. हमारे सारे वीडियोस चेक कीजिए, जो मन आप क्लिक कीजिए और हमारे वीडियोस को एक बड़ा सा लाइक दीजिए. उसके बाद हमारे इस वीडियोस को देखने के बाद, इनकी डिस्क्रिप्शंस पढ़ने के बाद, शेयर ज़रूर कीजिएगा व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, फेसबुक में और बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में. फिर कुछ मीठे से यादें, मीठे से हमसे रेसिपीज या कुछ टिप्स या कुछ आपकी क्वेरीज हो, हमें ज़रूर लिखें. हम आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगी एक ब्रेकफास्ट, बहुत सहज, शायद आप लोगों को सबको ही आता है, फिर भी दूसरी तरह से मैं दिखाऊंगी. इसका नाम मैंने दिया मैंगो बनाना फ्रूटिलिशियस. तो मैंगो बनाना फ्रूटिलिशियस के लिए, इट्स मैंगो टाइम, तो मैंगो तो बहुत मिल रहा है, तो इसके लिए मैंने, देखिए, एक केला लिया, एक बनाना लिया, एक आम लिया, मैंगो लिया, ठीक है. और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, ये चिरवा स्पेशल है, मैं बाद में आप लोगों को बोलती हूँ. और चाहिए खट्टा दही, आपके पास अगर मीठा दही हो तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बनेगा मीठा दही होने से. और ये चाहिए पाउडर शुगर, ठीक है, पाउडर शुगर देने से तुरंत घुल मिल जाएगा, तुरंत खा सकोगे. और दही का पानी लिया. तो इसमें स्पेशल मैं बोल रही हूँ, ये चिरवा आप देख लो, ये बहुत फाइन चिरवा है. जो लोग बैचलर हो, अकेला रहते हो हॉस्टल में कि ऐसे ही, तो ये चिरवा आप लीजिए सेब, ये दही और आम केला के साथ खाने के लिए. तो ये इंस्टेंट है, इसको धोना नहीं पड़ेगा, ये इसका खासियत है. इसके अंदर आप सारा इंग्रेडिएंट्स देने से ही हो जाएगा, धोना नहीं पड़ेगा, सुपर फाइन है और धुली हुई है और दाम भी ज़्यादा नहीं है. तो ये जो चिरवा है, आसानी से आपको दुकान में या ऑनलाइन में मिल जाएगा. ये देख लीजिए, ये थिन चिरवा है, ठीक है, ये 51 रुपीज़ दाम है इसका, ओके. तो आप ये ले लेना थिन चिरवा. और ये जो दूसरा चिरवा है, अक्सर हम लोग खाते हैं, पोहा बनाते हैं या चिरवा फ्राई करते हैं, ये है मोटा पोहा. मैं दिखा देती हूँ आपको ये कैसा होता है, ये थोड़ा मोटा होता है, ये भी चलेगा, ये भी हम लोग खाते हैं, लेकिन इंस्टेंट चिरवा ये है. मैं शुरू करती हूँ, चिरवा मुझे जितना चाहिए मैंने ले लिया. तो आम को आप स्लाइस करके भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आम को, आम आपके ऊपर है, आप दो छोटा आम दो भी ले सकते हो. मैं जिसके लिए बना रही हूँ उसको इतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए. तो आम को अच्छी तरह से ऐसे कर लीजिए, तो इसका सारा जो पल्प जूस निकल आएगा. जो हॉस्टल में रहते हो, अकेला रहता हो या बीवी मायके गई है, तो उनके लिए ये ब्रेकफास्ट आप करोगे, थोड़ा ज़्यादा ये फाइन चिरवा ले लोगे तो धोने का भी चक्कर नहीं है. और केला थोड़ा पका हुआ लेना, ज़्यादा टाइट होने से नहीं चलेगा. और शुगर ऑप्शनल है, मैं नहीं दूंगी, मैं जिसके लिए बना रही हूँ उसने मना कर दिया, शुगर नहीं चाहिए, क्योंकि आम में और इसमें ऑलरेडी शुगर है. अभी ये दही दे दीजिए, दही में पानी होता है, ये पूरा दे दीजिए. देखिए आप ऐसे ऐसे करिए, आपको थोड़ा पतला चाहिए, हमें तो ऐसे मोटा मोटा ही पसंद है, पतला चाहिए, थोड़ा ठंडा, बिल्कुल ठंडा पानी मिला लीजिए या दही का पानी. मैंने देखिए इधर रखा है, मैंने ये भी दे दूंगी. मैं शुगर नहीं ऐड कर रही हूँ, आप लोग जरूर शुगर ऐड कर लेना, अच्छा लगेगा. वो आपके हिसाब से, कोई ज़्यादा मीठा खाते हैं, कोई कम मीठा खाते हैं, कोई खाना नहीं चाहते, क्योंकि केला और आम में भरपूर मिठाई है, मीठा है. तो ऐसे करके आप चम्मच से, अभी मैं फ्रिज में रख दूंगी, आप लोग बना के फ्रिज में रख दीजिए, उसके बाद खाइए. तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने रेडी कर दिया, ब्रेकफास्ट इज रेडी. तो आप लोग जरूर बनाइए और खाइए और मुझे बताइए आप लोग को ये आइडिया कैसा लगा. तो दर्शक, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. धन्यवाद.